नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन ध्यान से आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और इस बात को गौर करिएगा हमारे। देखिए, पहले तो एक हम सारी बात करने वाले हैं, जो प्रत्यावेदन वाले बच्चों का एग्जाम होने वाला है कब होगा, और जो आपने अभी शाम को रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग सुना है पीएनपी सचिव सर के अनुसार, उसमें तो साफ साफ ये बातें तय हैं कि आपके जो भी एग्जाम होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होंगे। तो आपको 14 तारीख के धरने में क्या करना है, यह बात भी हम करेंगे। और प्लस एक चीज़ और है, जितने बच्चों का सेकंड सेमेस्टर का स्कूटनिंग का रिजल्ट आया है उसमें अधिकतर बच्चों का नो चेंज है, है ना, कोई चेंजेस मतलब कि कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में 2018 बैच के भी जो स्कूटनिंग के रिजल्ट आएंगे मात्र 2 से 4 दिन में, उसमें भी नो चेंज के ही ज़्यादा आसार हैं देखने को मिल सकते हैं, या फिर बहुत सारे रेयर केस हो सकते हैं कि आप पास हो जाए, है ना। पास हो जाते हैं तो भैया मिठाई खिला देना, और रही बात स्कूटनी में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। आदमी स्कूटनी में बस चेक करने के लिए भर देता, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु फेल होंगे, यह तो सारा आसार है। और एक बात और है भैया, प्रत्यावेदन वालों को जो एग्ज़ाम है 2021 बैच के साथ लास्ट में ही अभी 15 जून के आसपास होगा, क्योंकि जो प्रत्यावेदन वाले बच्चों का जो एक तरह से जो 2021 बैच का जो इस समय प्रशिक्षण चल रहा है, टीचिंग चल रही है, उसका समाप्त होना मान ले सकते हैं अप्रैल लास्ट तक, उसके बाद ही शेड्यूल होगा एग्ज़ाम, और शायद ही उसके पहले हो, क्योंकि ऐसा देखने को मिल सकता है लेकिन मिला नहीं अभी तक, है ना। और बाबा जी का सरकार बन चुका है और आप लोग के प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का एग्जाम होगा तय है। एक बात और कर लेते हैं, जितने भी प्रशिक्षु हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो इतने भी बैक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आने वाला 2022 का वैकेंसी आपके समक्ष होगा। और आप लोग मतलब 2022 का यूपी टेट और सी टेट आपके समक्ष होगा, आप सभी लोग बैठ सकेंगे। जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं सभी को एक तरह से मौका, बहुत बड़ी मौका दिया गया है। हो सकता है 2022 में छोटी सी कोई वैकेंसी देखने को मिल जाए, लेकिन जो बड़ी वैकेंसी है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, 2023 के लास्ट तक, या फिर कल ये जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकता है 2023 में, अभी नहीं। तो ऐसे में आप लोग को अपॉर्चुनिटी जो दिया गया उसका भरपूर लाभ उठाइए, बेस्ट तरीके से जितने क्लास कराए जा रहे हैं सारे क्लास करिए। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, कल यानी कि आपको 14 तारीख को जो जाना होगा तो उसमें क्या करेंगे आप, ध्यान से सिर्फ एक बात मांग करेंगे, क्योंकि हमारे पीएनपी सचिव जी का साफ साफ हमेशा कहना में यही है कि आप लोग को प्रमोट मतलब आप लोग के जो पेपर होंगे, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने पूछा उनसे, एक प्रशिक्षु ने पूछा कि सर बताइए हमारे एग्जाम कब होंगे, आपने बताया था कि यूपी बोर्ड के डेट शीट जैसे ही जारी होगा हम यह तय करके आपको बता देंगे कि आपके एग्जाम कब होंगे। सर आप यूपी बोर्ड का जो डेट शीट हो तो आ चुका है, आप हमें एग्जाम का शेड्यूल बता दीजिए हमारे। तो उनका साफ साफ कहना है भाई अभी तक जो प्राइमरी विद्यालय हैं वो खाली नहीं रहेंगे, सरकारी स्कूल खाली नहीं रहेंगे, इस वजह से आपके जो एग्जाम होंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होंगे। ऐसे में यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिस हमने देखा, लास्ट 12 अप्रैल पेपर है, लास्ट 12 अप्रैल को एग्जाम है, होने के बाद यानी कि 12 से 20 तक हो सकता है आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएं। अप्रैल में ही आपके एग्जाम होने स्टार्ट होने के पूरी आसार हैं, आप वह रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा सा देख लेंगे जो उनकी रिकॉर्डिंग है, वह सत्य रिकॉर्डिंग है भाई, उनकी आवाज़ आप नहीं पहचानते हैं, अड़ियल घोड़ा हैं वो, अगर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं पहचानते तो पहचान लीजिए, वह सही चीज़ है। हम इस प्लेटफॉर्म को गंदा करना कभी नहीं चाहते हैं, इस वजह से जो भी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं बिल्कुल भी अथेंटिक होती हैं और सोची समझी हाँ विचार होते हैं यहाँ पे, वही चीज़ रखी जाती है। आपको झूठा दिलासा दिलाना हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि क्लासेस सारे दे देना आपको, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे डीएलएड के सारे सेमेस्टर हो। तो सारे सेमेस्टर लगभग लगभग दे दिए गए हैं, सारे मैराथन भी चल रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का कल लास्ट महामैराथन आएगा मैथ का, इसके बाद हम लोग सेकंड सेमेस्टर के महामैराथन फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर के उधर क्लास चल रहे हैं मैथ के, फर्स्ट सेमेस्टर के चल रहे हैं, फिर उसके बाद साइंस लगाएंगे फोर्थ सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का। साइंस थर्ड सेमेस्टर का, एसएसटी थर्ड सेमेस्टर का खत्म हो चुका है, सेकंड सेमेस्टर का भी बेसिक क्लास मैथ का, सारे सेमेस्टर का बेसिक क्लास मैथ का खत्म हो चुका है। यूपी टेट के सारे लेक्चर लगे हुए हैं, प्रशिक्षु लग जाइए, मौका बहुत सुनहरा मौका है, सच माने तो विश्वास न करें। बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे महिमा बहन जी हैं और भी अभ्यर्थी हैं हमारे, जिनका कहना है सर जी हम चलेंगे और सिर्फ डेट शीट की मांग करेंगे। मित्र बस यही हमको करना है, अगर आप यह सोच के जाना चाहते हैं, होली गुलाल खेलना चाहते हैं पीएनपी सचिव के साथ, यह सोच कर जाना चाहते हैं कि हम चलेंगे प्रमोट की मांग करेंगे प्रशिक्षु, आग बबूला तो ऐसे रहेंगे, और डेट शीट निकालने की जगह मतलब कि एक तरह से प्रपत्र सिग्नेचर करने की जगह आप लोग को और महंगाई पड़ सकती है सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप देखिए उनके अनुसार हमारे अनुसार नहीं भाई, हम तो चाहते हैं आप आज ही प्रमोट हो जाओ, आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो, लेकिन हमारी कभी ऐसा विचार नहीं होता है, आप ये हमें समझिएगा कि हम प्रमोट को लेकर बिल्कुल भी विपरीत है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें आगे की चाल उनका सोची समझी जो चालें हैं उनकी समझ कर आपके सामने सारी बातें प्रस्तुत करते हैं हम अपनी, लेकिन उनके जो मोटिव है ना उस चीज़ को हम भांप चुके हैं, पहली बात है, ठीक है ना, क्योंकि वह अधिकारी भले हैं लेकिन अधिकारी बनने के कगार
जितनी दूरियां वो तय करे हैं उतनी दूरियां हम लोग भी तय कर चुके हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस एक कदम है, जब भी एग्जाम हो सारी चीज़ें हमारे समक्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन बस यही मौका हम लोग को नहीं दिया जाता है इनके द्वारा, और इसमें यह देरी कर रहे हैं, विलम्ब कर रहे हैं। तो ऐसे में मात्र अगर आप 14 तारीख को जाते हैं, मार्च को, 14 मार्च को अगर आप जाते हैं PNP कार्यालय, तो सिर्फ एक मांग करेंगे। पहली बात है खाना, बुरिया, बिस्तर, अच्छे से स्वभाव से रहना है। हमारे सारे बहन भाई वहाँ पर रहेंगे, कोई दुराचार किसी से नहीं करेगा, वहाँ पर रहना है, और उनसे बिना साइन करवाए लिखित लिए नहीं आना है। या फिर 12 अप्रैल को जो यूपी बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो रहा है, तो आप बता दो कब लोगे एग्जाम, बस हमको डेट लिख कर दे दो, डेट शीट आप इसी दिन जारी कर देना, जिस प्रकार से हमने डेट शीट जारी करवाया था हम लोग जब यूपी टेट का एग्जाम होने वाला था, तो उस समय जो बैक का रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उस समय हमने लिखित लेकर आया था हम लोग कि भैया यूपी बोर्ड के मतलब यूपी टेट के एग्जाम मतलब फॉर्म खत्म होते होते आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट दिए थे, लेट किए थे, बाद में यूपी टेट का जो डेट था फॉर्म का डेट वो बढ़ा दिए थे ना, तो उनकी बातें सत्य होती हैं जब वो लिखित देते हैं। तो इस बात को याद रखना, लिखित लेके आना है हमको, क्योंकि यह PNP सचिव अगर जब तक हैं, अब पता है आपको सरकार नहीं चेंज हुई, जब गवर्नमेंट नहीं चेंज हुआ है, तो इसका मतलब याद रखिएगा जो वैकेंसी आने वाली है, हो सकता है 2022 में हमको 17,000 जो बोले हैं वो देखने को मिले, अन्यथा बड़ी वैकेंसी जो हमें 2023 में ही देखने को मिलेगी। ये पूरा वादा मतलब पूरा एक तरह से पूरा का पूरा खंगाली सोची समझी व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ही बोल रखा था, जो हमारे इस समय भैया बाबा जी आए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ही बोल रखा था भाई जो भी वैकेंसी आएगी वह एक समय के अनुसार आएगा, यानी लोकसभा का चुनाव देखकर, क्योंकि लोकसभा का जो सीट है सबसे ज़्यादा 80 सीट वो यूपी में है, तो यूपी के प्रशिक्षुओं को एक तरह से आकर्षित करना चाहेंगे ना, तो इस तरह से सारी की सारी अब प्रबंधन है और सोची समझी चाल है। सोची समझी चाल क्या है, एक तरह से बच्चों को प्रशिक्षुओं को लुभाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि आराम से उसमें दाखिला कराया जाए, उसमें भाग लिया जाए। तो एक तरह से और कह लीजिए कि लेट होने के और आसार होंगे इस सुपर टेट के वैकेंसी, क्योंकि जो आगे आगामी जो एक तरह से जो पिछली वैकेंसी है जो 68,800 का, उसमें भी विलंब होने के आसार हैं, क्योंकि उस विलंब मतलब कि उसमें एक तरह से आरक्षण वाला जो विवाद है वह सुलझा नहीं, अभी उसको सुलझाएंगे, क्योंकि जो शिक्षा परिषद है हमारा वह खुद चाहता है कि पहले पिछली वैकेंसी जो इसको क्लियर करें, उस पर विवाद मिटा दें, क्योंकि ऐसे विवाद अगर अचानक से हम बड़ी वैकेंसी ला देते हैं तो ऐसे विवाद हमको फिर से देखने को मिल सकते हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस प्यार के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और सच में सच बताएं तो आँख में पता नहीं क्यों जलन सा हो रहा है, और मन नहीं था मतलब आज शाम से पता नहीं कैसा उभर गया, और लग रहा है बस खजला दें, देखिए ये आँख लाल हो चुका है पूरा, है ना, पूरा का पूरा लाल हो चुका है, और पता नहीं कैसा खजली टाइप में स्टार्ट हो गया, अभी शाम से स्टार्ट हुआ है लग रहा है ना, असर पड़ा है ना, किसी चीज़ का असर पड़ा होगा। अब इसमें क्या है, लेकिन आप कुरकुरे बैच फॉलो करेंगे, और सच में अगर इंसानियत हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मित्र, शेयर कर देना, दिन भर क्लास लेते हैं, सच में मेहनत होती है, यह आप लोग खुद समझते हैं, दिन भर के क्लास होते हैं, इतने क्लास अकेले लेना लगाना सब कुछ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। तो महिमा जी, महिमा बहन जी, और जो हमारे और भी प्रशिक्षु हैं, राकेश जी, राकेश भाई जी, जितने भी प्रशिक्षु हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें, और जो स्कूटनी का रिजल्ट आया है उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लें, और जिनका नहीं आया 2018 बैच का, वह दो चार दिन में आ जाएंगे वो भी, क्योंकि भाई हमने बोला था 15 मार्च से पहले पहले, अब बताओ 15 मार्च से पहले पहले आया कि नहीं आया बचवा, आया ना, तो इस बात को याद रखना, जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं वह सदा सत्य बताई जाती हैं, गुड़ा गणित जोड़ घटाना करके बताया जाता है, ठीक है ना, यह चीज़ें भांप लेना भैया, ठीक है ना मित्र। बस एक विनती करते हैं आपसे, ये अपना जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये हम देखना चाहते हैं, आपकी ये फैमिली हम देखना चाहते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, तो क्या आप इसे शेयर करके बढ़ा सकते हैं, अब आपके ऊपर है, आप इसे बढ़ाएं, बड़ा करें, बहुत प्यार दें अपना, जितना प्यार हमारा कुरकुरे के लिए होता है उससे कई गुना ज़्यादा आप प्यार करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए बिल्कुल फ्री सारी चीज़ें व्यवस्था कर देंगे, और आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, और 14 तारीख को जाना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।